नमस्कार किसान भाइयों, मालवा की खेती YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अफीम की फसल में किए जाने वाले स्प्रे की, कि किस किस प्रकार के स्प्रे हम करते हैं और स्प्रे के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप फसल पर यानी अफीम की फसल पर पहला स्प्रे करेंगे, चाहे वो कीटनाशक का हो या फंगिसाइड का हो, तो हमेशा उसकी कम मात्रा ही यूज़ करें। हल्का डोज दे फसल को, ताकि हमारी जो फसल है उसमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बनी रहे। यदि आपने पहले स्प्रे में ही हेवी डोज दिया है, यानी जो कीटनाशक या फंगिसाइड की जो मात्रा है उसका अधिक प्रयोग किया, तो परिणाम स्वरूप यह होगा कि जो रोगों में रोग सॉरी पौधों में जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी। और जब अगली बार आप स्प्रे करेंगे, तो यदि आपने पहले वाले स्प्रे से हल्का डोज यदि इस्तेमाल किया, तो उस स्प्रे का फसल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले हम उसे हेवी डोज दे चुके हैं। एक बार जब फसल को हेवी डोज लेने की आदत हो जाती है, तो हल्का डोज यानी चाहे वो फंगिसाइड का हो, कीटनाशक का हो या किसी भी प्रकार की दवाई का हो, हल्का डोज फिर काम नहीं करेगा और आपके पौधों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की वो कम पड़ जाएगी और रोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप यह होगा कि हमें हर बार हेवी से हेवी डोज का प्रयोग करना पड़ेगा और इससे हमें आर्थिक नुकसान तो होगा ही, फसल में भी नुकसान ही होगा, क्योंकि लगातार हेवी डोज देने से फसल के जो बीमारियां हैं वो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो मैं अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में थोड़ा हल्का डोज दें, उसके बाद धीरे धीरे यदि रोग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उससे थोड़ा हेवी डोज दें। एक बात और मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपने पहले किसी एक फंजीसाइड का स्प्रे किया है, तो मेरे हिसाब से उसी फंजीसाइड का दोबारा प्रयोग न करें, क्योंकि उससे जो परिणाम सामने आए हैं कि पहले जो स्प्रे किया फंगिसाइड का वो फसल पे अपना असर तो रखता ही है 5, 10, 15 दिन तक, उसके बाद फिर जो रोग आने लगता है। तो पहले वाले फंगिसाइड का स्प्रे जो हमने किया है उसका असर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पौधों में उससे के प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी, यानी यदि आप उसका दोबारा यूज़ करेंगे तो फिर जो पौधे हैं उस रोग से लड़ नहीं पाएंगे, हमारी फसल उस रोग से लड़ नहीं पाएगी और वो रोग ग्रस्त हो जाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से आप अगली बार दूसरे फंजीसाइड का इस्तेमाल करें, और यदि उसी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले से उसकी मात्रा अधिक बढ़ा दें, क्योंकि बराबर मात्रा में तो उसका कोई असर होगा ही नहीं। जब फसल बड़ी हो जाएगी तो उसको खुराक भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिएगी, जैसे छोटे बच्चे को कम एमजी की गोली दी जाती है और बड़े आदमी के लिए ज़्यादा एमजी यानी ज़्यादा पावरफुल गोली दी जाती है, ठीक इसी प्रकार हमारी जो फसल छोटी होती है तब हमें उस
फसल पर हल्के फंजीसाइड कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, यानी उसकी मात्रा कम रखनी चाहिए। और जब हमारी फसल ग्रोथ करती है और बड़ी होती जाती है तो उस हिसाब से हमें उसके जो स्प्रे होता है, जो कीटनाशक फंजीसाइड वगैरह वगैरह का, उनकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। रही तीसरी बात कि जब भी आप कीटनाशक फंजीसाइड का स्प्रे करें तो दो से अधिक फंजीसाइड का इस्तेमाल ना करें और दो से अधिक कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। और ध्यान रखें कि वो उसी ग्रुप का फंजीसाइड या कीटनाशक होना चाहिए। हमारे कीटनाशक के चार पांच ग्रुप अलग अलग हैं और इसी प्रकार फंजीसाइड के भी उपयोग अलग अलग हैं। जब भी आप किसी भी प्रकार का फसल पर स्प्रे करें तो जो उस पैकिंग में जो एक पर्चा आता है उस पर पढ़ें कि किस कीटनाशक और किस फंजीसाइड के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किसके साथ नहीं किया जा सकता है। और यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से या कृषि विज्ञान केंद्र से या किसान कॉल सेंटर से फोन करके पूछ सकते हैं। जब भी आप किसी भी प्रकार का स्प्रे करें तो अपने जो स्प्रे पंप होता है उसका कम से कम दो से तीन बार धोने के बाद ही प्रयोग करें। अगले बात हम बताते हैं कि जब भी आप फंजीसाइड कीटनाशक या जिस भी प्रकार का फसल पे स्प्रे करते हैं तो उनके अलग अलग घोल बना लें। कुछ टोनिकों का प्रयोग किया जाता है तो टोनिक को हमेशा जब दवाई की टंकी भर जाती है, दवाई मिला दी जाती है, कीटनाशक फंजीसाइड जो भी हमें डालना है सब मिला दिया जाता है, तो टोनिक को हमेशा ऊपर से डालें। और जो स्ट्रेप्टोसाइकिल नाम का जो एंटीबायोटिक आता है उसका हमेशा गुनगुने पानी में घोल बनाएं और घोल को 5 से 10 मिनट रखें। उसके बाद यदि वो फटता नहीं है, ध्यान रखें यदि किसी प्रकार का घोल आपने बनाया है और यदि वो फट गया है, उसमें जो मोटे मोटे गाढ़े गाढ़े लत्थे बन गए हैं, तो उसका प्रयोग फसल पे ना करें, इससे आपकी फसल खराब हो सकती है। तो किसान भाइयों, मेरे पास छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कीजिएगा और अपने अन्य किसान बंधुओं को भी चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। धन्यवाद किसान दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, जय जवान।